राफेल पर राहुल गांधी ने आज आखिरी अस्त्र छोड़ा। अब तक आरोप लगाते रहे थे, आज पीएम मोदी से सीधे इस्तीफा मांग लिया। ये कहने से भी नहीं चूके कि राफेल सौदे में जिस भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री की सरपरस्ती के बगैर संभव नहीं था। एक बात बड़ी क्लियर है और आस्ते आस्ते पूरे देश को समझ आ जाएगी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को ये राफेल कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। राफेल पर मंगलवार को दो घटनाक्रम सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के लिए झटका था, लेकिन जल्द ही फ्रांसीसी मीडिया के हवाले से एक ऐसी खबर आई जिसने कांग्रेस को नए हमले की गुंजाइश दे दी। देश में मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है, प्रधानमंत्री जी के सामने भ्रष्टाचार हुआ है। एलिगेशन लग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दबाव तो हमारा है और इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा तो देना चाहिए। राहुल के तेवरों से साफ है कि कांग्रेस राफेल की पूछ पकड़कर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। कांग्रेस को राफेल में बोफोर्स जैसी ताकत दिखने लगी है, लेकिन सियासी वार को वोट में तब्दील करना इतना आसान भी नहीं। सच के सामने इनका ये झूठ, हिटलर का मंत्री गोयवेल्स था ना, गोयवेल्स की भूमिका में राहुल गांधी काम कर रहे हैं। अगर फ्रांस के सरकार की ओर से दिए गए वक्तव्य के बाद भी झूठ की बाजार गर्म करना चाहते हैं तो सच सच ही रहेगा। जो भी हो, पीएम मोदी को भ्रष्ट बताकर और उनका इस्तीफा मांगकर कांग्रेस ने बीजेपी की कमर तोड़ने के लिए कमर कस ली है। ये ऐसा दाव है जहां कुछ भी हो सकता है, फायदा भी और नुकसान भी। ये आग का दरिया है जिसे राहुल गांधी ने डूबकर पार करने की ठान ली है।